गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को सेवेंथ क्लास की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 32, जिसकी डेट बच्चों 1 फरवरी 2020 रहेगी। और इस वर्कशीट में भी आपका एसेज दैट मेड्स ट्रीज ब्लूम को ही कंटिन्यू किया गया है। देखिए, हमने इसमें पढ़ा था कि जो एक कुत्ता होता है, उसको जब एक अच्छे लोग, किसान और उसकी पत्नी किस तरह से उसको पालते हैं, उसकी केयर करते हैं और वो उनको सोने का खजाना दिलाने में मदद करता है। उनकी कॉपी करके जो मतलब वीकड नेबर होते हैं, पूरे पड़ोसी होते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको भी खजाना मिले, लेकिन उनको खजाना नहीं मिल पाता क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं, वीकड हैं। स्टोरी सो फार, अब आगे की देखते हैं। द डॉग लेड द ओल्ड कपल्स टू ए पाइल ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से कुत्ता उन बूढ़े कपल को बहुत सोने का ढेर दिला देता है। द नेबर्स ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर। और वो पड़ोसी भी इसी तरह से गोल्ड पाने की कोशिश करते हैं। And they could not, they killed the dog. और जब उन्हें सोने का खजाना नहीं मिलता है तो वो डॉग को मार देते हैं। The dog's spirits once again guided the good old couple by appearing in his dream and led them to making gold by making a mill and mortar from the tree. तो डॉग की स्प्रिट यानी कि डॉग की आत्मा एक बार उन बूढ़े कपल के सपने में आती है और उनको बोलती है कि जहाँ पर उन्होंने उसको दफनाया था, एक बार वहाँ पर जाएं और मिल और मोर्टार को पेड़ के नीचे से मेकिंग बनाए वहाँ पर, तो उन्हें जो है सोने का खजाना और भी मिल जाएगा, वे दोबारा से रिच हो जाएंगे। तो कुत्ते की आत्मा आकर सपने में उनके ऐसा बोलती है। तो देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। Meanwhile, the envious neighbor, envious का मतलब jealous neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. इसी बीच में जो jealous करने वाले मतलब जलन रखने वाले जो पड़ोसी होते हैं, वो भी झांक कर देखते हैं खिड़की में से कि जब वो क्या करते हैं, बॉयल करते हैं बीन्स को। तो गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज सी शो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू द येलो गोल्ड। और किस तरह से उन जो ओल्ड कपिल होता है, उनका जो सॉस होता है वो टर्न हो जाता है येलो गोल्ड में। अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और कुछ ही मिनटों में उनका पूरा टब जो है वो गोल्ड से भर जाता है और शाइन करता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और इस तरह से वो जो कपल होता है, बूढ़े औरत आदमी होते हैं, वो दोबारा से धनी बन जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल। तो दूसरे दिन जो बहुत ही बुरे विकड पड़ोसी होते हैं, वो आते हैं, उधार ले लेते हैं मोटार और मैजिक मिल को। दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस, एक को वो बॉइल्ड राइस से भर देते हैं, उबले चावल से, और दूसरे को बीन से भर देते हैं। किस उम्मीद में कि उनका भी टब जो है वो गोल्ड से भर जाएगा। लेकिन वो तो इतने बुरे इंसान थे कि जब उन्हें डॉग्स के बताए हुए जगह पर क्या नहीं मिला, गोल्ड नहीं मिला था, तो उन्होंने डॉग को मार दिया था। Then the old man began to pound and the woman to grind. तो इस तरह से old man जो है pound करना start कर देते हैं और woman उसको grind पीसना start कर देती है। और pound का मतलब तेजी से मारना start कर देता है old man, बूढ़ा आदमी। But at the first blow and turn the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. लेकिन जो उनका sauce होता है ना, देखो जो old couple था उनका sauce तो yellow gold से भर गया था, लेकिन जो ये बुरे पड़ोसी थे, इनका sauce जो है वो कीड़ों से भर गया था, है ना। तो स्टिल मोर एंग्री एट दिस, तो इस पर जब उनको गुस्सा आया तो दे चॉप्ड द मिल इनटू द पीसेस टू यूज एज फायरवुड। तो उन्होंने क्या कर दिया, मिल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उसको जलाने के काम लिया, उससे जलाया उन्होंने, मतलब जो कहते हैं ना कि लकड़ी जलाने के लिए ईंधन, तो उसका यूज उन्होंने इस काम में किया। तो बच्चों देखो, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको मैचिंग करनी है, उसका मीनिंग बताया गया है वर्ड का, और आप साथ में पिक्चर दी गई है, आपको वर्ड का मीनिंग समझते हुए पिक्चर से मैच करना है। देखो बच्चों, एनवियस, एनवियस का मतलब होता है हमारा जेलिस। तो जेलिस देखो, ये जेलिस करती हुई ये लड़की है, तो आप इसको इससे मैच करोगे। फायर वुड का मतलब होता है वुड यूज फॉर फ्यूल। देखो यही वुड है ना,
तो आप इसको इससे मैच करोगे। विकड, एविल और मॉरली रॉन्ग, जो नैतिक रूप से गलत होता है और बहुत ही बुरे लोग होते हैं उसके लिए यूज होता है विकड पर्सन। तो बच्चों विकड कौन है हमारा, ये रहा विकड पर्सन। और वॉर्म्स क्रीपिंग इंसेक्ट यानी के ये रे कीड़े, है ना। तो सेकंड को हमने इससे मैच किया, थर्ड को विकड को इससे आदमी से, और चौथे के नंबर पर हमारा वॉर्म्स ये रहे कीड़े। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमें सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। चलिए रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन सी पीप्ड इन एट द विंडो। जब उसने खिड़की में से झांक कर देखा तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने क्या किया था, इसका आंसर आप बी लिखोगे। Why did the envious neighbor chop the meal into pieces? Because it did not turn the pastry and sauce into the fall. क्योंकि इसने इसको टर्न नहीं किया था। देखो उसने जो जलन करने वाले पड़ोसी थे उन्होंने इसको क्यों चॉप कर दिया था पीसेस में, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू द मास ऑफ गोल्ड। क्योंकि इससे सॉस और पेस्ट्री को टर्न जब किया गया था तो उससे गोल्ड नहीं बना था। तो इसका आप लोग सी लगाएंगे, इसका बी लगाएंगे। तो बच्चों आपकी इजी वर्कशीट कंप्लीट होती है। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो काम अपना कंप्लीट कर सके और अपनी मैडम को सेंड कर सके। थैंक यू।